मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है कि छोटे छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। मिशन लाइफ हमें प्रेरित करता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। सूर्य हमारे जीवन का स्रोत होने के साथ ही अक्षय ऊर्जा का भी एक उत्तम स्रोत है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय केरल ने भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए न सिर्फ अपनी उत्पादकता को बढ़ाया बल्कि साथ ही साथ बिजली पर खर्च होने वाले लाखों रुपए की बचत भी की। स्मार्ट सिटी त्रिवेंद्रम द्वारा वित्त पोषित MNRE के सोलर सिटी प्रोजेक्ट के तहत ANERT द्वारा प्रस्तावित योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय केरल ने दो चरणों पर परस्पर कार्य करना शुरू किया। पहले चरण के अंतर्गत राजस्व साझाकरण मॉडल के आधार पर सभी स्थापना शुल्क ANERT द्वारा वहन किए जाने थे और अतिरिक्त बिजली उत्पादन द्वारा अर्जित बचत से केवल 10% राजस्व साझा किया जाना था। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना था कि उत्पादित अतिरिक्त बिजली को KSEBL के ग्रिड में भेजा जाए। पहले चरण में 3 स्थानों को चिन्हित कर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए परस्पर सहमति हुई। FCI क्षेत्रीय कार्यालय केरल 20 किलोवाट पीक पावर, FSD वलियाथुरा 25 किलोवाट पीक पावर, FSD कझाकुट्टम 50 किलोवाट पीक पावर। इन सोलर पावर प्रोजेक्ट की कमीशनिंग 15 जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। इस 95 किलोवाट पीक पावर क्षमता के साथ ही FCI केरल को प्रति वर्ष 3,36,000 रुपए की कुल बचत होने का अनुमान है। दूसरे चरण के अंतर्गत FCI की विभिन्न इकाइयों में बंद पड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का आकलन किया गया और उन्हें कार्यशील बनाकर बचत बढ़ाने के लिए ग्रिड से जोड़ने की योजना बनाई गई। इस चरण में 5 स्थानों को चिन्हित किया गया। FSD मीनांगडी 10.8 किलोवाट पीक पावर, FSD चालकुडी 10.8 किलोवाट पीक पावर, FSD अरककुल्लम 5 किलोवाट पीक पावर, FSD चिंगवनम 3.6 किलोवाट पीक पावर, FSD करुणागपल्ली 2.4 किलोवाट पीक पावर। इन 5 स्थानों से लगभग 1,38,000 रुपए राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसे केरल क्षेत्र द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों से उनकी प्रतिवर्ष कुल आय 4,74,000 रुपए हो जाएगी।